यहाँ पे आपको जो है ना बकरियाँ वकरियाँ तो ज्यादा नजर नहीं आ रही, अलबत्ता देखें बलोचिस्तान के अंदर जो है ना ऊँट आपको जो है वो कितने ज्यादा नजर आते हैं, ये देखें पूरा भाई। ये देखें हमने अपना इंतजाम कर लिया है, यहाँ पे इसको फ्रिज बना लिया भाई। इजाजत मिल गई, इजाजत मिल गई, इजाजत मिल गई, जाने दिया हमारे ट्रक को, हो गया काम अपना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल भाई, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग जो है बलूचिस्तान के लिए निकलेंगे, पीछे आप देख रहे हैं मेरे, ये देखें भाई, ये एक बड़ा पैक ट्रक है, इसलिए क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है और चीज़ें नज़र ना आए तो इसीलिए हमने जो है वो पैक ट्रक करवाएं। ये बलूचिस्तान के लिए हम लोग ग्रॉसरी लेके जा रहे हैं, अराउंड तकरीबन कोई 500 के करीब फैमिलीज का जो है वो इसके अंदर राशन है। और इसके अलावा ये दूसरा ट्रक आप देख रहे हैं, सही है, ये जो है ना बेसिकली खेमे, ठीक है ना, ये 100 फैमिलीज के जो है ना खेमे हैं। इस एक खेमे के अंदर जो है ये पूरी किट होती है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो आप समझ लेंगे 6 बंदों की फैमिली आराम से एक के अंदर समा जाएगी। तो ये 100 है, 8000 रुपये का जो है ये एक खेमा है, ठीक है। और ये जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा ट्रक है, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया सबसे पहले, तो भाई इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें फ्लड रिलीफ बलूचिस्तान 2022, ठीक है। अब ये जो है वो तीसरा ट्रक है, अब हम लोग बगैर टाइम ज़्यादा किए जो है वो निकल रहे हैं, क्योंकि आज जुमा भी है और रास्ते में इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे और वहाँ टाइमली पहुँचना है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और इसके बाद वापस जाना है। और हमने जो गाड़ी का आपको बताया था कि गाड़ी हमने रेंज कर ली वजन 4x4, क्योंकि पिछली मरतबा गाड़ी के साथ बड़ा जो है वो एक इंसिडेंट हो गया था, सही है। तो ये गाड़ी जो है वो तैयार है, ये देखें, सही है ना, इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं, सफ़र की तैयारी है, आप लोग भी तैयार हो जाएं, बलूचिस्तान चलते हैं। भैया बुराक से हमने जो है ना डीजल फुल करा लिया गाड़ी के अंदर, सही है, और अब हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ चीज़ ले लेते हैं, बहुत ज़रूरी, क्योंकि लास्ट टाइम इसकी बड़ी कमी महसूस हुई थी हमको, कुछ खाने पीने के लिए नहीं था हमारे पास, सही है। तो यहाँ से जो है ना अब हम कुछ ले लेते हैं, कुछ तो होना ज़रूरी है भाई, जूस हो गया, बिस्किट हो गया कुछ, क्योंकि अब हमारी पूरी टीम भी हमारे साथ है। ये आगे भाई जान सारे जूसेस वगैरह, ये देखें, ये 14 अगस्त की जश्न आज़ादी की जो है ना खुशी के अंदर यहाँ पे सारे ऑफिसेज वगैरह ये वो सारे जो है वो जितनी भी जगहें होती हैं ना इस तरह डेकोरेट की जाती हैं, ठीक है, ये सीन है, हर जगह जो है उसी तरह के बलून्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे लाजमी। हमने रिफ्रेशमेंट वगैरह ले लिए, कुछ बिस्किट्स ले लिए हैं, कुछ जूस ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि काम आएंगे यहाँ पे। कैसे भाई आप लोग, खैरियत से, सब ठीक ठाक है माशाल्लाह, ज़बरदस्त बेहतरीन। मैं अंदर आया, अंदर जैसे एंटर हुआ इन्होंने वाला, मुस्तफ़ा भाई आज कहाँ जा रहे हैं आप, तो सारे जानते हैं माशाल्लाह, व्लॉग वगैरह देख रहे होते हैं, इनकी मोहब्बत है भाई। अब सीन हो गया यहाँ पे, हब चौकी के पास जो है कोई प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है और यहाँ पे जो है वो रास्ता बंद हुआ है। ये देखें सामने दो बसें खड़ी हुई हैं, इन्होंने रास्ता जो है बंद किया हुआ है और अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। पीछे सारी गाड़ियाँ जो है वो आप देख ले, रास्ता ब्लॉक है तो आप पता नहीं कब खुलेगा भाई। अब सीन ये है कि हमारी 4x4 होने का फ़ायदा ये था कि देखिए साइड से निकल गई, ये साइड से गाड़ियाँ निकल रही हैं और हमारे जो दो ट्रक है ना लकीली वो भी जो है वो यहाँ से बिल्कुल ओके हैं, मतलब निकल जाएंगे, लेकिन पीछे एक ट्रक फंस गया है। भजन ऐसे रास्तों पर कुछ भी नहीं पता होता, देखें क्या क्या आपको जो है ना देखने को मिलता है, यू नेवर नो भाई। दो ट्रक जो है ना बड़ी मुश्किल से निकाले, सही है, ट्रैफिक को हटा हटा के, बस एक जो है ना पीछे फंसा हुआ रह गया अभी फिलहाल भाई। अब ये तीसरा ट्रक है हमारा, सही है, तीसरा ट्रक भी जो है वो हम निकलवाने के लिए आ गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना आगे बढ़ा रहे हैं ट्रैफिक को। देखें अब क्या सीन है, ये देखें साइड से जो है ना थोड़ा थोड़ा जो है ना चल रहा है। ये देखें भाई हमारा जो आखिरी ट्रक है ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया, निकल गया। अब देखें यहाँ पे जो इस तरह की मिट्टी हुई भी है ना, इसकी वजह से देखें ये ट्रक वगैरह फंस भी रहेगा। चले भाई अब जो है ना खाना खाने का जो है वो टाइम है भाई, खाना खा लेते हैं, क्योंकि इससे आगे जो है ना कोई अच्छा होटल हमें नहीं मिला था, तो हम चने की दाल ज़रा यहाँ की खाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गया भाई पहला निवाला और भाई खाना कैसा है, जबरदस्त, दाल कैसी है, बेहतरीन है। भाई बारिश स्टार्ट हो गई है, ठीक है, सड़कें फिर दोबारा जो है वो गीली हो गई हैं, अल्लाह खैर करे, बस सफ़र जो है ना खैर आफियत के साथ गुजर जाए। ये देखें आवाज़ आ रही होगी आपको, टिप 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 टिप। ये देखें लास्ट टाइम हम यहाँ से गुजरे थे ना तो ये रास्ता उस वक्त बना रहे थे ये लोग, अभी इन्होंने अल्टरनेट किस तरीके से बनाया ये देखें, यहाँ पे इन्होंने नीचे जो है ना पाइप लगा दिए, सही है, अल्टरनेट रास्ते के नीचे, ताकि पानी जो है वो सारा गुजरता रहे और यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो चलती रहे, सही है ना, वरना लास्ट टाइम अभी ये बना रहे थे। ये देखें पानी अभी और भी आ रहा है क्योंकि ऊपर बारिशें हुई हैं और ये देखें, ठीक है,
ये देखें यहाँ पे पानी फिर आना स्टार्ट हो गया है। अच्छा आप देखें हम उथल पहुंच गए हैं, सही है। अब यहाँ पे क्योंकि लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने देखा था कि अंदर जो है ना रास्ते वगैरह सब बर्बाद हो गए, सब टूट गया है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े ट्रक अंदर नहीं जा सकते, तो हमने कुछ विलेजेस जो है ना जाके देखे थे, विजिट किए थे, और अब हम वहाँ पे जो है वो सामान पहुँचाएंगे। तो ये देखें ये चिंची हमने जो है जैसे लोड कर लिया, सही है ना, कि कितने घर हमने देखे थे उनके हिसाब से उनका राशन और टेंट वगैरह जो है वो हम यहाँ से अनलोड कर रहे हैं और फिर अंदर लेके जाएंगे, इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर आगे बेला जाएंगे। हाँ ये देखें अब ये खेमे के साथ जो है ना ये एक एक तरपाल भी जो है वो साथ साथ दिया जा रहा है ताकि इसको जो है ना नीचे बिछाया जा सके, सही है। नीचे ही बिछाया जाएगा, ऊपर पे पूरा खेमा लग जाएगा। देखिए हमने अपना इंतजाम कर लिया है, यहाँ पे इसको फ्रिज बना लिया, ये देखें। और इत्तेफाक से ये थोड़ी देर पहले हमने जो है ना रानी जूस इसके अंदर डाले थे, ठीक है, और उस वक्त जो है ना ये सादे हो गए थे और अभी बिल्कुल चिल्ड हो गए, तो ये हमारा मिनी फ्रिज बन गया, आप समझ लें। इसके अंदर जूस वूस रख लिया हमने। यहाँ पे आपको जो है ना बकरियाँ वकरियाँ तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, अलबत्त देखें बलूचिस्तान के अंदर जो है ना ऊँट आपको जो है वो कितने ज़्यादा नज़र आते हैं, ये देखें पूरा भाई इतने सारे गुजर हैं। ये भी एक अलग ही मंजर है बिल्कुल, कितने सारे हैं। मैंने लाइफ में इतने ज़्यादा एक साथ नहीं देखे, देख रहे हैं इनकी स्किन कैसी हो गई बारिश के पानी में ज़्यादातर रह रहे के, बिल्कुल देखें कीचड़ वगैरह के अंदर। चलें जी आगे बढ़ें। बाप ये रास्ता देखें, सही है ना, लोगों ने बताया कि इस गांव के अंदर तो अभी तक कोई आया भी नहीं है। अब आप रास्ता देखें कैसे जो है वो यहाँ पे पहुँचना ही मुश्किल है, ये देखें सारी जो है वो सड़कें टूट गई हैं, यहाँ तक कि 4x4 भी कितनी मुश्किल से जा रही है, ये चेक करें आप, ये देखें अल्लाह अकबर ये हालत हुई है। अब ये देखें ये जो आपको सारा मलबा नजर आ रहा है ना ये एक्चुअली एक घर था, सही है। 5 फैमिली मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल एक फैमिली यहाँ पे रह रही थी और ये बारिश के पानी की वजह से जो सैलाबी रेला आया था सब कुछ खत्म हो गया, ये देखें सब कुछ खत्म डिस्ट्रॉय हो गया, ये देखें घर का सारा सामान, ये देखें सामने बक्सा है, कपड़े हैं, सारी चीज़ें, ये देखें ये भी बॉक्स है इनका जो सामान रखने का होता है, ये देखें लेडीज़ के कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सब कुछ कचरा हो गया इसका, ठीक है सब कुछ ख़त्म हो गया यहाँ पे, ये देखें बाकी घर का सामान है सारा, ये सिचुएशन हो गई यहाँ पे। ये इनके जो है ना घर के कपड़े हैं, सही है। ये देखें कि ये घर का कमरा था पूरा, ये देखें पूरा का पूरा कमरा, सिर्फ एक दीवार रह गई है, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया, ये देखें पूरी दीवार चली गई सब कुछ, वो देखें अलमारी की क्या हालत हुई है, ये मैट्रेस की हालत देखें आप, ये मैट्रेस की सूरत हाल हुई है। ये देखें अब जो है ना एक और घर आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आए हैं, पूरी बाउंड्री इसकी टूट गई, सही है, बह गई, ख़त्म हो गई, अभी वो कमरा भी डैमेज हो गया है, अपनी मदद आपके तहत ये इन्होंने कैंप लगाया है, सही है, इसके अंदर रह रहे हैं, इनका वॉशरूम टूट गया, सही है। आप ये देखें ये किसी तरीके से वॉशरूम का अरेंजमेंट किया हुआ है, ये देखें सारा मलबा बन गया, सही है, मलबा सारा इनके घर का, ये देख रहे हैं आप लोग गार्डर वगैरह लगा हुआ है सारा, नहीं ये खेमा आ गया इनका, सही है, और ये राशन आ गया, ठीक है, ये दे दे भाई इनको, ये भाई देख लें एक और घर के अंदर जो है वो जो सामने वाला घर था इस गाँव का जो टूट गया था, इसके अंदर भी जो है ये खेमा और राशन वगैरह जो है हम ड्रॉप कर रहे हैं इंशाल्लाह, सही है, ताकि इनका भी मामला कुछ आसान हो, सही है, और ये कम अज़ कम एटलीस्ट एक वाटर प्रूफ छत के नीचे जो है गुजारा कर सके। अब हमारी टीम जो है इस गांव के और 13 घरों के अंदर जो है ये राशन और खेमे तकसीम कर रही है, और जब तक हम लोग निकल रहे हैं बकाया जो टीम है वो हम आगे निकल रहे हैं बेला की तरफ, सही, क्योंकि अंधेरा होने से पहले पहले वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, वहां पे गांव वालों को जो है ना हमने बाहर की तरफ बुला लिया है ताकि जो तस्दीक शुदा फैमिलीज थी उनको बाहर की तरफ बुला लिया ताकि हम उनको तकसीमी करें और वो थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस हो जाए, तो अब हम वहाँ पे निकल। भाई ये चेक कर लें ये जो हिस्सा है ना मतलब रास्ते का, ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारी लाडली सुजुकी एवरी वैगन का जो है ना पंखा टूटा था, सही है, और बिल्कुल यही जगह थी और यही वजह थी कि आज हम जो है ना 4x4 के अंदर आए, सही है जी। अदनान भाई असर की नमाज की तैयारी, ये देखें भाई खेतों के साथ ही जो है वो मस्जिद बनी हुई है, ये वजू खाना है, सब नमाज पढ़ते हैं वजू करके। नमाज तो पढ़ ली लेकिन एक बड़ा प्यारा मंजर दिखाता हूँ आपको, जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो यहाँ पे जो है ना छोटे छोटे बच्चे जो है ना कायदा पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये देखें माशाल्लाह कायदा पढ़ रहे हैं, सही है, और बड़े बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं,
बलूचिस्तान का जो सफर है ना फुल ऑफ एडवेंचर होता है हमेशा। अब आप देखें आगे रास्ता जो है ना कच्चा है जिसके अंदर ये ट्रक नहीं जा सकता, इसकी वजह से हमने ये ट्रैक्टर अरेंज किया है और इसके अंदर सामान डाल के फिर जो है वो आगे गांव के अंदर लेके जाया जाएगा जहां हम ऑलरेडी सर्वे कर चुके थे अपने लास्ट विजिट के अंदर। ये देखें भाई अब हम जो है ना डायरेक्ट विलेज के अंदर आ गए हैं, ट्रैक्टर यहाँ पे लगा दिया है और ये गांव के लोग हैं। सही है, लिस्ट में सबका जो है वो नाम कॉल होता जा रहा है और सब अपना अपना राशन लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देख लें आप, ये देखिए सबका नाम जो है वो लिया जा रहा है और सब लेके जा रहे हैं। देखें अब जिस जिस फैमिली को राशन मिल गया ना वो लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं, ठीक है। अंधेरा भी हो रहा है और ये देखें सर पे उठाए हुए राशन और लेके जा रहे हैं कहाँ, अंदर अंदर इनके जो है वो गांव है। गुलाम नबी अब्दुल सत्तार अब्दुल सत्तार मामा सिद्दीक भाई। अब कराची वापस जाते वक्त जो है ना एक सिचुएशन लग रही है, जिस जगह पानी के जो मैंने आपको पाइप दिखाए थे ना, जो पानी के पाइप लगा दिए थे, रास्ता बना दिया था और नीचे से पानी गुजर रहा था, वो रास्ता जो है वो हमें फोन आया था कि डैमेज हो गया और जिसकी वजह से ये देखें आप यहाँ पे जो है ना सारे ट्रकों की जो है ना लाइन लगी हुई है, यहाँ पे सारे ट्रकों की जो है वो लाइन लगी हुई है, शायद आगे जो है वो यही मसला हुआ है। अब देखें क्या सिचुएशन बनती है, हम लोग भी अभी यहाँ पे खड़े हुए आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सीन है। भैया चेक कर लें हर तरफ ट्रक ये ट्रक हैं, रास्ता बंद है, आगे पानी आ गया है और बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, छोटी गाड़ियाँ जा सकती है और जितने भी ट्रक वाले हैं ना ये सारे यहीं पर नीचे जो है ना बैठे हुए हैं, ये खाना वाना खा रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, कुछ इस तरीके का सिलसिला चल रहा है और हम लोग फंस गए हैं। अब इजाज़त लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भजन किसी तरीके से इजाज़त मिल जाए और हमारे ट्रक इतने बड़े नहीं हैं और हमें बस जाने दें ये लोग। भाई इजाज़त मिल गई, इजाज़त मिल गई, इजाज़त मिल गई, जाने दी हमारे ट्रक को, हो गया काम अपना। देखिए भाई 11:41 हो रहे हैं और ये देखें बड़ी बड़ी बसें जो हैं वो आगे एक और ब्लॉकेज आई है, सही है, और यहाँ पर रुके हैं ये लोग, लेकिन छोटी गाड़ियाँ गुजर रही हैं और हमारे ट्रक भी गुजर रहे हैं और हम लोग भी इंशाल्लाह गुजर जाएंगे, लेकिन जितना भी हैवी ट्रैफिक है वो सारा स्टक है। सही है ना, ये सीन है, ये देखें भाई वो जो आते हुए हमने आपको दिखाया था ना जो पाइप वगैरह से पानी थ्रू हो रहा था पूरा, इन्होंने एक टेम्पररी रास्ता बनाया हुआ था, वो सारे पाइप निकल के सब कुछ बह गया, ये देखें सारी ब्लॉकेज हुई है, आगे सारे पाइप बह गए। अभी अंधेरा है आपको नजर नहीं आएगा लेकिन छोटे जो गाड़ियां हैं ना, छोटी जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ से पास हो रही है, बड़ी गाड़ियां जो है वो सारी पीछे रह गई हैं, सब ब्लॉक हो गई हैं। ये आगे हमारे ट्रक भी खाली हो गए इसीलिए गए, वरना तो नहीं जा सकते थे। नाउ वी हैव अनदर सिचुएशन, ये देखें भाई एक शॉर्टकट से निकले हैं, सही है, गांव की तरफ से रास्ता होता हुआ जाता है लेकिन ये भी बुरी तरीके से जो है ना डैमेज है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप नीचे से जो है ना पानी गुजर रहा है, सही है, और ये रास्ता बिल्कुल नरम पड़ा हुआ है, अल्लाह पाक खैर करे और यहाँ से जो है ना खैरियत से गुजर जाए हमारी गाड़ियाँ सारी। देखें भाई खरबूजे का ट्रक जो है वो फंस गया है और ये लोग खाली करवा रहे हैं, ये देखें रोड टूटा हुआ और ये गिर गया ट्रक। भाई ये बलूचिस्तान तो जो है ना पूरा बेचारा बर्बाद हो गया है। बारह बज के 20 मिनट हो रहे हैं और इस वक्त तेज बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। भाई ये देखें सामने जो है ना बिजली चमकती भी आपको जो है ना नजर आ रही होगी, सही है, तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। देख रहे हैं ना आप लोग ट्रैवलिंग जो है ना इजी नहीं होती, स्पेशली ऐसी वेदर सिचुएशन के अंदर, ऐसे इलाकों के अंदर जो है ना फुल ऑफ एडवेंचर होती है, मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं होती। अभी तकरीबन रात के 12:30 बज रहे हैं और अभी भी हम लोग जो है ना समझ लें कि अभी भी हाफ चौकी के पास पहुंचने में तकरीबन 70 किलोमीटर अभी भी बाकी है, मतलब तकरीबन 2-3 बजेंगे हमको कराची पहुंचते। भाई 2 बज रहे हैं रात के, हम लोग कराची पहुँच गए अलहमदिल्ला सेफ एंड साउंड, लेकिन हम बहादराबाद पर पहुँचे हैं ना हमें लग ही नहीं रहा कि 2 बजे हैं भैया, ऐसा लग रहा है ईशा का टाइम हुआ है, ऐसा ही वीकेंड है ना। अब आप देख लें कराची के अंदर रौनक कैसी होगी, ये चेक कर लें आप, सही है, बहादराबाद चौरंगी, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाई ये कोई लेट नाइट है,
सब बिल्कुल चिल है। अभी लोग निकले हैं घर से खाना पीना खाने के लिए, तो हम जो है वो टीम खाएगी हमारे पिज्जा, पिज्जा तय हुआ है भाई। मार देंगे अदनान भाई को, मार दें आप अदनान भाई को, यू कर दो। हाँ वाह, अदनान भाई को आर पार कर दें। वाह भाई, निपटा दिया अदनान भाई को इन्होंने। ये देख रहे हैं ये रात के जो है ना 3 बजे क्या हो रहा है बादराबाद पे, फुल भाई माहौल बना हुआ है। ये अदनान भाई ले आए हैं पिज्जा भाई, आ जाए आ जाए अदनान भाई आ जाए। ये हमें भाई टेक अवे करा लिए 7 पिज्जा, सही है, हमारे 7 टीम मेंबर्स हैं, सब घर पे जाके दिल तो ये कर रहा है कि अभी जो है ना हाथ साफ कर दे आपका भाई, लेकिन ये है कि सबकी हालत जो है ना बिल्कुल बैटरी लो हो गई है, तो सब अपना अपना घर पे जाके जो है एंजॉय करेंगे। सही है भाई, निकलते हैं चलें। रात के बज रहे हैं 3, ठीक है, और जो मिडनाइट में आपको पिज़्ज़ा निपटाने का मज़ा है ना, ओहो उसकी बात ही और है। और स्पेशली जब आप पूरे दिन के भूखे हो, मतलब हमने दोपहर में खाया था, वो भी हल्का पुल का खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था, और इसके बाद जो है ना मतलब इंतज़ार करें, सबर का फल बड़ा मीठा होता है। सही है, तो अब हम जो है ना ये फुल जूसी जूसी पिज़्ज़ा निपटाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह टीम वर्क था, और एक बलूचिस्तान का बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। नो डाउट इसके अंदर थकान होती है, रास्ते में कितने सारे चैलेंजेस होते हैं, सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं आप लोगों के साथ, तो इसके अंदर इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के काम आ सके, अल्लाह पाक ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। अब ज़रा निवाला लेते हैं भजन पिज़्ज़ा का, ठीक है, और आपको बताते हैं कि पिज़्ज़ा कैसा है, आप लोग भी समझिएगा कि आप लोग खा रहे हैं हमारे साथ। सही है, ओए होए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेहतरीन, मज़ा आ गया। एक्चुअली थोड़ा सा ठंडा हो जाता ना तो शायद मज़ा नहीं आता, और जिस वीडियो के अंदर ना हो तो फिर तो आप लोगों को पता है कि वो वीडियो ही नहीं है। तो भाई कल मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, 14 अगस्त की तैयारी करनी है, 14 अगस्त के लिए आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेके आना है, घर को भी सजाना है। कल मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं खाना खाऊंगा, फिर नमाज़ पढ़ूंगा, फिर सोऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।